नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा क्या हुआ? लड़का हुआ कि लड़की? अच्छा अच्छा आश आश एक्सक्यूज मी मिस्टर दलाल, यस हियर इज योर बेबी। ये लड़का है ना? हाँ ये लड़की है। मुबारक हो। लड़की है वो, ऊपर से मुबारक हो, शर्म नहीं आती है? ले जाओ उसको। क्या कहाँ ले जाओ? जानना में कचरे कचरे में फेंक दो उसको। व्हाट नॉनसेंस मिस्टर दलाल, डोंट बी सो रूड। डिकोस्टा। हाँ दलाल जूता वाला भाई, मुबारक हो तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हुई। क्या खुशी की बात है यार, यहाँ मैं बर्बाद हो रहा हूँ। क्या? मेरी बीवी का जो बाप है, मेरा ससुर, पांच जूतों की कंपनी का मालिक है। उसकी ये शर्त है कि अगर मेरे घर में लड़का पैदा होगा तो वो सारी फैक्ट्रियाँ जो है मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर कर देगा, और अगर लड़की पैदा हुई तो वो सारी जायदाद फकीरों में बांट देगा और मुझे फकीर बना देगा। लेकिन अगर मैं फकीर बना डिकोस्टा, तुम अकेले तो नहीं बनोगे, मेरे साथ तुम भी फकीर बनोगे। क्या कह रहे हो यार? क्योंकि हम लोग पार्टनर हैं, अगर फायदे में साथ रहे तो नुकसान में भी साथ में रहना पड़ेगा। मैं दुनिया को बतला दूंगा, कानून को बतला दूंगा कि तुम पहले एक मामूली से कंपाउंडर थे, पैसे देकर नकली सर्टिफिकेट लिए डॉक्टरी के, झूठ मूल के डॉक्टर बन गए, और तुम्हारी बीवी जूली फौरन तुमसे तलाक ले लेगी। और शड़प यार। अभी शड़प को शड़ाम करने का एक तरीका बताता हूँ, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मेरी समस्या हल हो जाएगी और साथ में तेरी नैया भी पार हो जाएगी। मुबारक हो इंस्पेक्टर खन्ना, आपको बेटा हुआ है। मुझे बेटा हुआ है? अरे नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें बेटा हुआ है, हमें बेटा हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर हम कितना इंतजार कर रहे थे दोनों। हाँ, दोनों इंतजार कर रहे थे, मैं और आपका बेटा। ओहो ये छोटे इंस्पेक्टर साहब, अपने माँ बाप पसंद आया नहीं तुम्हें? अब तो आप जल्दी लौट आएंगे ना घर ड्यूटी से? क्यों? क्योंकि हम दोनों माँ बेटे आपका इंतजार करते होंगे। मुबारक हो इंस्पेक्टर साहब। हेलो माय बेबी। सो रहा है? हेलो
लड़का है लड़की? जी लड़का है। किसका है? इंस्पेक्टर कपिल का। लाने वाली औलाद नहीं चाहिए, जहेज लाने वाली औलाद चाहिए। What are you doing, Mr. Dalal? Miss Rosie, सुना है कि तुम लंदन जाना चाहती हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, वो दूसरी शादी कर लेगा, है ना? तो लंदन जाने आने का टिकट का खर्चा, पैसों का खर्चा सब मैं दूंगा, अगर तुम ये बच्चों का नंबर रजिस्टर में बदल दो तो। ओके, मुस्करा के बोले। लड़का हुआ है? लड़का? नर्स तो कह रही थी कि लड़की हुई है। नर्स का दिमाग खराब है, लड़का हुआ है ना? लड़की भी तो लक्ष्मी का ही रूप होती है। आएगी लक्ष्मी, लड़की जब आती है तो सारा ले जाती है माल पैसा जहर की जगह में। तो लाओ मुझे दे दो मेरे बच्चे को। मेरा बेटा? आपको बेटी हुई है? हाँ हाँ, आपको बेटी पैदा हुई है, नंबर 108। ये बच्चा कहाँ से ले आए तुम? मेरा बेटा ले आओ। ये आपकी की बेटी है? नहीं, ये मिस्टर दलाल मेरे को बोला लंदन का सारा खर्चा दे देंगे, अगर इन्होंने खर्चा नहीं दिया मैं सबको बोल दूंगी। बहुत ये बोलो, अगर ये नहीं देगा तो अपन देगा। कॉफी अभी पिलाओ यार इसको। शक्कर कितनी? और शक्कर कितनी नहीं यार, तुम भी खबर खाती हो, तुम्हें इतना मालूम नहीं? आजकल लड़कियां फिक्र का ख्याल रखती है, शक्कर से नहीं तकलीफ से पीती है। शक्कर इंसान को मोटा कर देती है, खासकर लड़कियों को। और जब तक ये कॉफी पीती है तुम जाकर की टिकट का बंदोबस्त करो। तुम्हें पियो, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ, आराम से चली जाना। क्या बात है? मेरा बच्चा बदल गया है। डोंट बी सिली। नहीं जरूर कोई गलती हुई है, नर्स ऐसा करो इंतजाम करो, हमारा बेटा वहाँ होगा। नहीं सर, इसके अलावा वहाँ कोई बच्चा नहीं है। क्या क्या पकती हो? जरूर कोई गलती है, मैं अभी जाकर देख के आता हूँ। ये क्या कहता है? मेरे बेटे को बदलकर वहां पर एक लड़की रख दी, चांदनी नहीं मेरी बीवी दिल की मरी ना। चिल्लाइए मत इंस्पेक्टर कपिल, ये हॉस्पिटल है, आपका पुलिस स्टेशन नहीं। कहां हूं तू डीलर? इसने जरूर अपनी जान ली होगी। इंस्पेक्टर कपिल, ये अपने बॉयफ्रेंड का लेटर पढ़कर बड़ी परेशान थी। इट इज डेफिनेटली केस ऑफ सुसाइड, मर्डर भी हो सकता है। इंस्पेक्टर कपिल, आप हमेशा शक के बिना पर मुझे मुजरिम ठहराने की कोशिश करते रहते हैं और मैं सच निकलता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। कहाँ है हमारा बेटा? मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। इन अस्पताल वालों ने कुछ क्या? उसे कुछ हो गया? नहीं नहीं, तू वो बीमार पड़ गया? नहीं देवी, नहीं नहीं। ले आई अनु से, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तुम समझती क्यों नहीं देवी? इस सारे अस्पताल में उस बेनाम बच्ची के अलावा और कोई नहीं है। क्या? रजिस्टर में भी उन्होंने लिखवा दिया कि हमें बेची हुई थी। किसने लिख दिया? अस्पताल वालों ने, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं केस कर दूंगा, टिकस्टर को हथकड़ी पहना दूंगा। लेकिन उससे मेरा बेटा तो वापस नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, मैं कानून के जरिए। इन लोगों ने मेरे बेटे को कहीं छुपा दिया है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वादा कीजिए आप मेरे बेटे को वापस लाएंगे, वादा कीजिए। नहीं
क्या हो गया? इस बात का क्या सबूत है कि आपकी पत्नी को लड़का ही पैदा हुआ था? इसका सबूत वो नर्स थी जिसने मेरे बेटे की पैदाइश की खबर मुझे दी। अचानक उस नर्स ने खुदकुशी कर ली। मेरा ख्याल है कि उसे मार दिया गया ताकि इस मुकदमे का कोई भी गवाह ना रहे। उस नर्स के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अदालत को दी जा चुकी है मिलोर्ड। ये सरासर झूठ है मिलोर्ड, क्योंकि अस्पताल के चेयरमैन मिस्टर डिकॉसा कुछ भी कर सकते हैं। ये झूठ है। ऑर्डर ऑर्डर। सॉरी सर। इंस्पेक्टर खन्ना, आपको अपने केस का कोई ना कोई गवाह पेश करना होगा और इस मुकदमे का फैसला होने तक इस बच्ची को आप अपने पास रखें। नहीं मिलोर्ड, मुझे कानून से इंसाफ चाहिए। इंसाफ के नाम पे तसल्ली नहीं। ऐसी सूरत में अदालत बच्ची को किसी भी ऐसे आदमी के सुपुर्द कर सकती है जो मुकदमे का फैसला होने तक बच्ची की परवरिश करे। मैं साहब, मैं पालूंगी इसे। ठीक है, अदालत बच्ची की परवरिश के लिए 500 रुपया महाना मुकर्रर करती है, जो इंस्पेक्टर खन्ना अदा करते रहे। बस साहब, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और अदालत महात्मा पुलिस को हिदायत करती है कि जीडी हॉस्पिटल की पूरी छानबीन करके रिपोर्ट अदालत में पेश करें। इंस्पेक्टर, आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मिस्टर डिकॉस्टर, शायद आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स ने नकली डिग्रीज हासिल करके डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू की और मरीजों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। उन नकली डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर आप भी हैं। What is this nonsense? शायद आप, तुम उस अस्पताल के मालिक हो जहां नकली दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां मरीजों के साथ लापरवाही की जाती है, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। तुम जैसे लोगों की वजह से अच्छे अच्छे डॉक्टर बदनाम हो चुके हैं। ये झूठ है, गलत है। ये अखबार वाले मुझसे पैसा मांगते हैं और जब मैं उन्हें पैसा नहीं देता तो ये बकवास मेरे खिलाफ छाप देते हैं। तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। आप ये साबित नहीं कर सकते। मैं साबित कर सकता हूँ। इट इज इम्पॉसिबल। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लिसन डिकॉस्टा, इस वक्त आपके ऑफिस में तलाशी ली जा रही है। मिस्टर डिकॉस्टा के मकान का और ऑफिस का एक एक कोना छान मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? आप जा सकते हैं। योर फाइल। मैंने सुना है कि इंस्पेक्टर कपिल आजम खान से मिलने गया है, उससे मदद मांगने के लिए, ताकि वो हमारे खिलाफ सबूत पैदा कर सके। दलाल जूता वाला, आजम खान जेल के अंदर है। खुशामदीद कपिल खन्ना। आजम खान, मगर तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं। हरकत नहीं यार, आदत कहो। इसी आदत को सुधारने के लिए तुम्हें यहाँ जेल में भेजा है, लेकिन आज मैं एक जरूरी काम था। हुक्म दो यार, जान चाहिए। जान? सबूत? डिकॉस्टर के खिलाफ कोई सबूत हाथ में नहीं आ रहा। तुमने डिकॉस्टर की कई तिजोरियां खोली होंगी। अगर तुम कानून के लिए एक बार खोल दूंगा, जिसके वजह से हमारी भाभी का जान गया, जिसने हमारे भतीजे को तुमसे अलग किया, उसको सबूत के साथ जेल करवा दूंगा। थैंक यू। तुम्हारी इस मदद के लिए सरकार ने तुम्हारी बाकी सजा भी माफ कर दी है। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। अगर वो छूट भी गया तो उसे सबूत वाली तिजोरी कभी नहीं मिलेगी। और अगर उसे तिजोरी मिल गई तो? मैं अब तक तो पे अटका हूं, आगे जवाब तो दो। अगर उसे तिजोरी मिल भी गई तो वो उसे खोल नहीं पाएगा। और अगर उसने खोल दिया तो?
जिस बात पर मैं तो कर रहा था, कभी वो सचमुच हो गया तो। खान का खून हो गया है, पुलिस स्टेशन में जाके इंतजाम अपने सर ले लो, 10,000 अभी मिलेंगे और 10,000 सजा काटने के बाद मजा आ गया। अरे बंटो क्या है? अरे अपनी किस्मत का तारा चमक गया है, ये देख माल आ रहा है माल। होश की बात कर, होश की, दिन भर चढ़ाए रहता है। तेरी कसम जाने मन, सच कह रहा हूँ, ये देख बदले में जेल जाने की ऑफर आई है, दलाल से 20,000 रुपया दे रहा है। लेकिन ये इल्जाम काहे का है? खून का इल्जाम, 20 साल की जेल, 20,000 रुपया। 20 साल की जेल और 20,000 रुपया? इस गुनाह को अपने सर पर लेने के कितने रुपए मिले तुम्हें? क्या बात कर रहे हैं साहब, रुपए के लिए कोई जेल थोड़ी जाता है। परमात्मा कसम, अपराध मुझसे हुआ है। कैसे? जो जीप की लाइट कम थी, टक्कर हो गई और मैं डर के मारे भाग लिया। नहीं, कोई टक्कर नहीं हुई, बल्कि मेरे दोस्त को जानबूझकर जीप से उड़ाया गया। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं मालूम, मैं सच कहता हूँ नहीं मालूम। मेरे दोस्त आजम खान का खून किसे किया? मैंने किया, मैंने बताओ किसने किया? परमात्मा को तुम सच कह रहे हो, मैंने किया? तुम बोल रहे हो, तुम गुनाह अपने सर लेकर तुम गुनाह को और बढ़ा रहे हो। ले जाओ उसे। अरे मत रो बेटा, अगर आजम खान तेरा बाप था तो मेरा भी तो बेटा था। सलाम सलाम साहब, मैं तेरे बाप का दोस्त हूँ। आज से पूछ लो बेटे, मैं तुझे लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा, आज से तू मेरे साथ रहेगा। नहीं हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। अगर तुम मेरे अब्बा को जेल से निकालकर पुलिस के काम में ना लगाते तो आज जिंदा होते। तुम मेरे अब्बा के दोस्त ही कादिल हो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। नहीं बेटी, नहीं, नहीं। आजम की मौत का मुझे भी अफसोस है। नहीं, ये मेरे अब्बा की खाक है, मैं इस खाक की कसम खाकर बोलता हूँ कि अब्बा की मौत का बदला जरूर लूंगा। ये मेरा नहीं, सरकारी है। सरकारी? जी हाँ सरकारी, गैर कानूनी है। इसकी माँ नहीं, इसका बाप नहीं, इसीलिए अदालत ने इसे मेरी गोद में डाल दिया है और महीने में पालने को पैसा भी देती है। और कुछ पूछना है तो पूछ। अरे मेरे को क्या कागज पड़े? फिर जाना, तेरा मत तेरा नाक फोड़ने का इंतजार। अरे क्या मेरे को क्या लेना? अरे जा रहा है। अरे बंटो, क्या मन क्या है? इधर आ। अरे तेरी लॉटरी निकल आई है 500 रुपए की। लॉटरी 500 रुपए की? टिकट निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर। इधर की मेरी टिकट, ये ले ये ले। अरे बाहरे लॉटरी खोलने वाले, तूने तो मेरी तकदीर खोल दी राजा। ले 500 रुपए गिन ले। अभी गिन लेती हूँ। आज लक्ष्मी मेरे घर आई थी, इसलिए आज से तेरा नाम लक्ष्मी। जय हो। अरे लथू लाल आ गया, चल यार। अबे तेरे बैल कम की तुम मैं। अबे बदली में दो दो चार लगवा के सड़वा दिया ना, आज के 18 साल कटवा दिए जेल के अंदर। अबे बता माल लिया कि नहीं उसने? अरे लाया हूँ पूरे 10,000 रुपए। ले गिन ले यार। अरे पर मेरा कमीशन किधर है भाई? अबे जा कमीशन, चल दबाओ यहाँ से। अरे वहाँ चल चल। इतना सारा माल कहाँ ले जाएगा? अरे मर जाएगा तो यही रह जाएगा। कुछ वजन हल्का कर दे,
अंधे की झोली भर दी। अरे तुझे कैसे मालूम मेरे पास पैसा है, तू तो अंधी है। अरे मन की आंखों से सब दिख रहा है बाबा, मुझे ये भी दिख रहा है कि तू इधर भीख दे रहा है और उधर स्वर्ग में तेरा महल बन रहा है। देख और कुछ दे, नहीं तो महल का काम रुक जाएगा। नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये तू और ले ले, लेकिन काम मत रुकने देना। अरे जाता कहाँ है, जरा अंधी को रास्ता पार करवा दे बेटा। हाँ बेटा, लो कल्लू बातें से मैं बेटा दिखाई दे रहा हूँ। आजकल कमर चल मेरे भैया। सबसे बड़ा रुपया ये देख। क्या आप कुछ लाया है क्या? खोल के देख, तेरे लिए 10,000 लाया हूँ पूरे। सच्ची? अरे बारे मेरे शेर कपल, वो लड़की अंधी के कारण। अरे ये बुढ़ा घर तक पहुँच गया। अरे लक्ष्मी, अरे कहाँ जा रही है, इधर आना आना। अजी यही है वो लक्ष्मी, और बेटी ये तेरे बापू है। अच्छा यही वो बाप है, जो बाप जैसा बाप तो है पर बाप नहीं है। बाप जैसा बाप तो है पर बाप नहीं है। हाँ बाप जैसा बाप तो है पर बाप नहीं है। लेकिन मुझे क्या मालूम कि सुबह सुबह अपने बाप पर ही हाथ साफ करना पड़ेगा। मतलब तू तो क्या कहते हैं कि जेल के बाहर अंधी बनी हुई थी ना। मैं कभी भी कुछ भी बन जाती हूँ अपना टाइम देखकर। टाइम टेबल? हाँ, सुबह अंधी, दोपहर लंगड़ी, शाम को लड़की, रात को बुड्ढी। एक बात मुझे बता दे। पूछिए। तूने मेरी बगल में से रुपए निकाल के चप्पल कैसे रख दी? उठिए ले, खड़े हो गए। कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ये आपका माल और ये मेरा चप्पल। जरा सा धक्का बाबा, रास्ता पार करवा दे। क्या हुआ है? क्या क्या देखो ना, कुछ भी नहीं। जरा खोल के देखिए, देखिए ना, देख लेते हैं। चप्पल? हाँ चप्पल, मेरा चप्पल आपके पास और आपका माल मेरे पास। खैर कोई बात नहीं, घर का माल घर के अंदर और मेरा चप्पल मेरे पैर के अंदर। वाकई भगवान कसम, बेटी को एकदम अपने जैसा धांसू बना दिया। अरे और नहीं तो क्या करती, इसका बाप इसे अब भी बेटी मानने को राजी नहीं है। 500 रुपए जो कोरट से मिलते हैं उसमें क्या पूरा पड़ता है। एजी एजी, कल तारीख है कोरट की, एक काम करो ना, कोरट को बोल दो ना कम से कम 1,000 रुपए बढ़वा दे बस। ठीक है ठीक है। मैं भी कैसी बदनसीब औलाद हूँ, बाप होकर भी बाप का प्यार नसीब नहीं है। कमिश्नर साहब, आपको तो मालूम है बचपन से लेकर आज तक मैं पराए लोगों के घर में पलती रही, अपने असली माता पिता के प्यार को तरसती रही। माँ का तो पता नहीं वो कौन थी कैसे थी, इस बाप का तो पता चला, मगर वो भी मुझे अपनाने से इनकार कर रहा है। क्या मैं सारी जिंदगी दूसरों के घर में पड़ी रहूंगी, अपनों के होते हुए गैरों के टुकड़े खाती रहूंगी? क्या मुझे अपने बाप का प्यार कभी नसीब नहीं होगा? देखो लक्ष्मी, तुम चाहो तो मेरे घर आकर रह सकती हो, जो कुछ भी चाहो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। मगर क्यों? इसलिए जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया उस दिन ये मुकदमा खत्म हो जाएगा और मुझे अपना बेटा कभी नहीं मिलेगा। तुम ये केस वापस ले लो, सिर्फ जज्बातों और अटल विश्वासों पर मुकदमों में फैसले नहीं होते। हो सकता है तुम्हारा बेटा। नमस्कार, मेरा बेटा जिंदा है। मैं मानता हूं कि कानून मुझे मेरे बेटे से नहीं मिलवा सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा जहां भी हो एक ना एक दिन उसे जरूर मिलेगा। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।